कोई एक टाइप बता दो लीनियर इक्वेशन का, एग्जांपल दे दो। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। वेरी गुड, ये लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल हो गया टू वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन तो हमने सेवेंथ क्लास में भी पढ़ी थी, सिक्स्थ में भी पढ़ी थी, लेकिन पहले आती वन वेरिएबल वाली, उसमें या तो सिर्फ x रहता है या सिर्फ y रहता है। लेकिन फिर उसके बाद नाइन्थ में हमने टू वेरिएबल्स वाली पढ़ी, अब हम इसके पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसमें सॉल्यूशन भी आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, निकाल सकते हैं उसको अलग अलग मेथड से। तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, हर इस टाइप की इक्वेशन को, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, सी उधर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कॉन्स्टेंट है। लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे पेयर्स के बारे में, यानी दो लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो इसको अपन ए वन बी वन और सी वन बोल सकते हैं, और इसको ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाता है आपका पेयर। क्या हो जाता है? पेयर हो जाता है। एक बार और मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ कि क्या क्या इसमें जो है टर्मिनोलॉजीज हैं। पहला, इसमें a1 और a2 जो है उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। x के कोएफिशिएंट, और b1 b2 को ऑफ y, और c1 और c2 जो है इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट समझते हैं ना हम, कोई भी नंबर आ सकता है इसमें, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसको बोलते हैं कांस्टेंट। और x और y को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे लिख रहा हूँ, x और y क्या होता है, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। वो तो उसमें होता है बेटा, जो अपना हम ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ में x को एक्सिस बोलते हैं, y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम x और y उसके हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं अपन, मतलब यानी ग्राफ, ग्राफ आएगा इसमें, लेकिन जो है इसमें वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू हमें निकालना रहेगी। वेरिएबल का हिंदी मीनिंग होता है जो वेरी हो, वेरी मतलब जिनकी वैल्यू चेंज हो। हर क्वेश्चन में इनकी वैल्यू अलग होगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से। लीनियर इक्वेशन में के ज़रिए से बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स को सॉल्व किया जा सकता है। यस, बहुत से एग्जांपल्स को जो है सॉल्व किया जा सकता है जो रियल लाइफ में पेश आते हैं हमारे साथ, हिसाब किताब और ये वो, एज वेज और ये सब। उसमें हमें दो इक्वेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है और दोनों की वैल्यूज़ निकल जाती है। ये हमारे सामने आएंगे कब, जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे। जो पहली एक्सरसाइज है पूरी इंट्रोडक्शन पर ही बेस्ड है, उसको अपन करते हैं और देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन का अस्तित्व क्या है, असल में है क्या लीनियर इक्वेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इसका ग्राफ भी बनाना सिखाऊंगा मैं। पहला क्वेश्चन, यस आ जाइए, जगह देखकर आ जाइए आप। पहला क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब जो है उसकी बेटी से बोलता है, यहाँ पर तो नाम नहीं है किसी के पापा का, ठीक है हो तो क्या है। आफ्ताब ने उसके बेटे को ये बताया कि सेवन ईयर अगो, बेटा 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब आप जो है 7 साल पहले जितने भी साल के थे उससे 7 गुना ज़्यादा था मैं। क्या बोलता है आफ्ताब उसकी बेटी से, 7 साल पहले जितने साल के भी थे उससे 7 गुना ज़्यादा मैं था। ऑल्सो 3 times फ्रॉम नाउ, 3 years नाउ फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद क्या होगा बेटा, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, यू विल बी, मतलब जितने साल के तुम हो जाओगे उससे 3 गुना ज़्यादा मैं हो जाऊँगा। इजेंट दिस इंटरेस्टिंग, ऐसा लिखा है वहाँ पर, क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? हाँ बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। 7 साल पहले तो वो 7 गुना बड़ा था अपनी बेटी से,
और 3 साल बाद 3 गुना बड़ा हो जाएगा, मतलब बाप छोटा हो रहा है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ग्राफिकली और अलजेब्रिकली हमें रिप्रेजेंट करना है इसको। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल्स हैं ना इसमें, क्या वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एक्स और वाई है, और क्वेश्चन के मुताबिक क्या है वो, आफ्ताब की एज और उसकी बेटी की एज। तो आफ्ताब की एज को हम एक्स मान लेंगे और फादर की एज को हम वाई मान लेंगे। तो इस तरीके से हमें करना पड़ता है, सपोज़ द प्रेजेंट एज, हमेशा हम यहाँ पर प्रेजेंट एज मानते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स, और यहाँ पर ईयर्स लिख देते हैं हम। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू वाई ईयर्स। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ता है, उसके बाद क्वेश्चन के मुताबिक हमें देखना पड़ता है। क्वेश्चन में बोला गया है सबसे पहले 7 साल पहले की बात की गई है, या तो कुछ साल बाद की बात की जाएगी या फिर कुछ साल पहले की जाएगी। जब पहले की जाए तो उसमें से हमें माइनस कर देना है, दोनों में से करना पड़ेगा। जो अभी प्रेजेंट एज है आफ्ताब की, और अब 7 ईयर्स अगो की बात करें हम, 7 ईयर्स अगो इसकी बात करें, तो जो आफ्ताब की एज है वो कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 7 हो जाएगी। इसमें कोई किसी को डाउट है क्या? मान लो आपकी एज अभी जो है 15 साल है, मान क्या लो, मतलब मान लो ठीक है, 7 साल पहले कितनी आपकी एज, 15 माइनस 7, मतलब 8 साल के थे आप, छोटे छोटे बच्चे। कौन सी क्लास में थे बेटा, होंगे 3री 4थी में 3री में, है ना? तो इसलिए हमें माइनस करना पड़ता है अगर एगो की बात की जाए। तो डॉटर, डॉटर की एज में भी माइनस होगा, ऐसा तो नहीं कि डॉटर की एज रुकी हुई थी, ऐसा नहीं होता है। बाप की एज कम हुई है तो बेटी की भी कम होगी। बात समझ में आई है? पता लगा कि बेटी तो 7 साल पहले उतनी बड़ी थी जितनी अभी है, मतलब बोल देते हैं बच्चे पापा में बड़ी, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन लेकिन क्या जो मैथ्स है वो तो मैथमेटिक्स अपने को लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 7 साल पहले ये हाल था, मतलब ये हाल था यानी दोनों की एज में से 7 कम था। अब क्वेश्चन में बोला है, आफ्ताब कहता है अपनी बेटी से कि बेटा बेटा 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा था। तो इसको इसको जो है इक्वेशन में कैसे हम रिप्रेजेंट करें, इक्वेशन में कैसे बताएं हम? तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब धीरे धीरे आप सीखते जाना, जब भी टाइम्स आए क्वेश्चन में, टाइम्स का लफ्ज़ आए तो उसको हम मल्टीप्लाई समझेंगे। टाइम्स यानी मल्टीप्लिकेशन, मतलब 7 गुना, टाइम्स मतलब क्या बोला है आफ्ताब ने कि मेरी जो एज 7 साल पहले थी बेटा बेटा वो 7 गुना ज़्यादा थी, 7 टाइम्स ज़्यादा थी आपकी एज से। बेटे की एज कौन सी है, बेटी की, ये आफ्ताब की ये। तो बेटी में 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें ताकि दोनों बराबर हो जाए, दोनों को इक्वल करने के लिए बेटी में करना पड़ेगा ना, छोटी कौन है, बेटी है। अब दोनों को इक्वल करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ओके, अब क्या इसमें कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई क्यों करा हमने, यहाँ क्यों क्यों नहीं करा? जो भी बोला जाए क्वेश्चन में कि इसको इसके कंपेयर में 7 गुना या 10 गुना रखा जाए, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। इसको अब पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स माइनस 7 और ये 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, 7y माइनस 49। अरेंज कर लेते हैं, वाई इधर ले आओ 7 उधर, तो एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 49 और प्लस 7,
ये माइनस सेवन इधर जाकर प्लस सेवन हो जाता है। x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस में भी आएगा ना, ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। एक बार हमने ज्योमेट्रिकली इसको शो कर दिया। दूसरी इक्वेशन भी बोली आफ्ताब ने, बोला है बेटा ये तीन साल बाद जो है, आफ्टर तीन ईयर, थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर थ्री ईयर्स लिख सकते हैं हम, थ्री ईयर्स आफ्ताब ने बोला कि बेटा बेटा तीन साल बाद मैं तुमसे तीन गुना बड़ा रहूँगा। अभी तो सात गुना बड़ा था, मतलब अब तीन गुना बड़ा, छोटा होते जा रहा हूँ बेटा मैं। तीन साल बाद यानी तीन, दोनों में से तीन माइनस डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, और उसमें से भी तीन माइनस होगा बेटी में से भी। अरे प्लस होगा बेटा, माइनस कहाँ से होगा, तीन साल बाद की बात की गई है ना, आफ्टर थ्री ईयर। छोटे होते हो क्या तुम बेटा, तीन साल बाद बारह साल के हो जाओगे क्या? नहीं, कितने साल के हो जाओगे, अठारह उन्नीस साल के, कोई कोई बीस का भी हो जाएगा, हो जाएगा भैया, अपने ऊपर मत लेना तुम लोग। क्या बोला उसने, तीन साल बाद मैं तुम्हारी एज से, मेरी एज कितनी हो जाएगी, तीन गुना हो जाएगी, थ्री टाइम्स, तो थ्री से मल्टीप्लाई करें इधर हम, जैसे यहाँ सेवन से किया गया था। अब इसको इक्वेशन बना लो, थ्री वाई प्लस थ्री, ये दो इक्वेशंस मिली हमें, यही है ना, गलत तो नहीं लिखी, देख लो एक बार। इन दो इक्वेशंस से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, तीन तीन निकालना है, कम से कम तीन तीन सॉल्यूशंस निकालने और फिर ग्राफ बनाना है। ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, इससे तीन सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या तरीका होना चाहिए तीन सॉल्यूशन निकालने का, x को एक तरफ कर लेते हैं चलो, और बाकी ये ऐसा ही तीन वैल्यू रखते जाएंगे और वैल्यू आती जाएगी। y को सबसे पहले हम रख लेते हैं यहाँ पर, क्या रखें, वन रखेंगे तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी, टू रख लेते हैं, वन पे बड़ी वैल्यू का बोल रहा हूँ मैं, तो ज़ीरो क्यों रखें। पुट x इज इक्वल, y इज इक्वल टू टू, x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 14, बल्कि आप 3 रख लो तो और अच्छा रहेगा, बड़ी वैल्यू नहीं आना चाहिए, हमारे ग्राफ में प्रॉब्लम आएगी ना हमें, 21, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर माइनस 21, माइनस क्यों हुआ, प्लस एंड माइनस माइनस और साइन माइनस का, एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरी हम रख लेते हैं x को 4 पुट कर लेते हैं, 3 के बाद 4 कर लेते हैं, y को मतलब, पुट y इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू 4 28, बचेगा यहाँ पर 14, 14 बचेगा माइनस का, इधर एक और निकालनी पड़ेगी ना वैल्यू। पुट y इज इक्वल टू 5, वेरी गुड, y इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू 5, x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 35, x इक्वल टू माइनस 7। अब इसको एक डब्बे में रख लेते हैं हम, कहाँ रख लेते हैं, हाँ बॉक्स में, अच्छी बात है, ये x ये y, x सबसे पहले हमने y क्या रखा था, 3 रखा था, तो माइनस 21 आया, 21 वो भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, फिर क्या रखा, 4 रखा, फिर क्या आया, माइनस 14 आया, और फिर क्या रखा, वेरी गुड, फिर क्या रखा, 5, फिर क्या आया, माइनस 7 आया, ये दो वैल्यू इसकी आ गई, तीन वैल्यू, और तीन अब उसकी आएगी सेकेंड इक्वेशन की। व्हाट इज़ द सेकेंड इक्वेशन, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, जो आसान हो उसको उधर भेज दिया करो, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना हो, डायरेक्ट वैल्यू आएगी ना इससे, पुट कर लेते हैं
एक्स वाई इक्वल टू क्या पुट करें यहाँ पर हम जीरो ही कर देते हैं, तो उससे क्या है डायरेक्ट एक्स वैल्यू मिलेगी बस। तो एक्स इक्वल टू सिक्स प्लस थ्री इंटू ज़ीरो, थ्री ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू सिक्स। क्या रखें हम माइनस वन रख देते हैं, चलो ठीक। पुट वाई इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू सिक्स प्लस थ्री, वाई की वैल्यू अपन रख रहे हैं माइनस वन, एक्स इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री। अब पुट वाई इक्वल टू माइनस टू, ठीक है प्लस टू रख देते हैं, आप लोगों की बात मानूंगा मैं। सिक्स प्लस थ्री इंटू टू, एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस सिक्स, ट्वेल्व। Isn't that simple? ये सिंपल था, इसको भी डब्बे में रख लेते हैं हम, कहाँ रख लेते हैं बॉक्स में। वो कितने प्यारे बच्चे हैं, अच्छी कम्युनिकेशन है इनकी मुझसे भी ज़्यादा। सुन लो वीडियो वालों, क्या रखा था हमने, ज़ीरो उसके बाद माइनस वन, ज़ीरो माइनस वन और टू रखा, तो वैल्यू क्या क्या आई, सिक्स आई, थ्री आई और ट्वेल्व आई। इन दो की मदद से हमें बनाना है ग्राफ, वो आप पे नहीं छोड़ रहा हूँ मैं ही बना रहा हूँ। चलो अब देखते हैं हम एक्स कहाँ तक जा रहा है, माइनस इक्कीस तक जा रहा है और प्लस में ट्वेल्व तक। बहुत बड़ा एक्स बनवा दिया तुम लोगों ने बेटा, यहाँ से कर सकते हैं छोटा। यहाँ पर किसको जीरो करते हैं, वाई में जीरो रखेंगे तो और माइनस फोर्टी टू तक जाएगा वो। तो एक काम करते हैं, हाँ ये अच्छा रहेगा, ये फाइव रखा ना, यहाँ सिक्स और यहाँ पर सेवन रख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर हमें रखना है सिक्स, क्या रखना है यहाँ पर, तो सिक्स सेवन ज़ा फोर्टी टू, फोर्टी टू, तो ज़ीरो वैल्यू आ गई यहाँ पर, आ गई ज़ीरो, ये ज़ीरो। सेवन रखने पर देखते हैं क्या आ रही, सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन, माइनस सेवन आ जाएगी, ये अच्छा है। माइनस एक्स की वैल्यू माइनस, यहाँ पर माइनस सेवन क्यों आई, अच्छा यहाँ पर तो फोर्टी नाइन, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, मैं नहीं लगा पाता हूँ ना क्योंकि। तो एक्स वाई सेवन रखने पर एक्स सेवन ही आया, तो एक्स हमारा जा रहा है माइनस में सेवन से लेकर प्लस के ट्वेल्व तक, ट्वेल्व यहाँ पे, यहाँ ठीक है, ट्वेल्व समझ लेंगे हम इसको डंडे को। अब वाई को भी देख लेते हैं भाई, वाई भाई साहब जो है प्लस सेवन तक जा रहा है माइनस वन से लेकर, तो माइनस की तो हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ लिखना पड़ता है ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस, एक एक चीज़ लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो पहले का ग्राफ बनाते हैं अब हम, पहला सेवन कॉमा सेवन, सेवन कॉमा सेवन लिख देंगे यहाँ पर, सेवन कॉमा सेवन, उसके बाद ज़ीरो कॉमा सिक्स, एक्स ज़ीरो और वाई सिक्स, यहाँ पर सेवन कॉमा फाइव, एंड दिस ग्राफ मस्ट बी लाइक दिस। बहुत बढ़िया, ये क्या है, ये पहली इक्वेशन का ग्राफ है, जिस भी इक्वेशन का है उसको लिखना पड़ता है कौन सी इक्वेशन है, उसी ग्राफ के ऊपर लिख दो उसको। इसी पर जो है दूसरा ग्राफ, सिक्स कॉमा ज़ीरो, मान ही नहीं रहा है, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, आप जो है सेंटीमीटर से स्केल से बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। और भी अच्छी बात ये होगी कि आप जो है ग्राफ पेपर ले आना, एग्ज़ाम में ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो ग्राफ पेपर दिया जाता है। ये कौन सी इक्वेशन है, एक्स क्या है बोलो, सिक्स,
ये ग्राफिकली शो कर दिया। अब इसकी वैल्यू तो हमसे निकल नहीं सकती। इसकी वैल्यू कहाँ निकलती मालूम है? जब दो ग्राफ आपस में मिलते हैं, तो यहाँ तो मिल नहीं रहे हैं। वैसे इन्होंने निकालने के लिए बोला नहीं है, सिर्फ बोला है कि आपको लाइंस बनानी है। इसमें किसी को डाउट है? ऐसे करना है क्वेश्चंस को, पहले इक्वेशन बनाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, एक्स वाई मानकर इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व करके ग्राफ बनाना है बस। कॉपी इट। क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? पुट वाई इक्वल टू सेवन, वेरी गुड। और कोई गलती देखो आप, इतना ध्यान रख लिया करो, अच्छे अच्छे बच्चे ध्यान रखते। देखो सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन की मैं इक्वेशन बनवा देता हूँ, बाकी का काम आपको करना है, फॉर्मेलिटी भी आपको ही करना है, लेट वेट और ये वो सब, ये सब आपको ही करना है। देख लो, अब ध्यान दे दो। अब थर्ड क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पढ़िए, सेकेंड क्वेश्चन यार, सेकेंड और थर्ड, पहले सेकेंड फिर थर्ड। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज थ्री बैट्स एंड सिक्स बॉल फॉर 3900 रुपीज। वाह कितने सस्ते खरीदे। शी बाइज मतलब लड़की है वो, है ना, ध्यान रखना, वो जो कोच है वो लड़की है। शी बाइज अनदर बैट, अनदर बैट एंड थ्री मोर बॉल्स। अनदर बैट मतलब कितने बैट खरीदे होंगे उसने? एक खरीदा होगा, अनदर बैट बोला ना, इसके अलावा एक और बैट, और एस भी नहीं लगा हुआ है तो एक ही बैट खरीदा होगा। और थ्री और बॉल्स खरीदी उसने सेम काइंड की, मतलब सेम काइंड से इनका मतलब क्या है, प्राइस उतनी रही होगी उसकी। कितने में? 1300 रुपये में उसने खरीदी। तो इसको जो है अलजेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है। तो सबसे पहले हम बैट की प्राइस को, बैट की प्राइस को एक्स मान लेंगे, एक्स रुपीज़, यार रस्सी का बनाना आप। और बॉल की प्राइस को रुपीज़ वाई मान लेंगे। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या चलेंगे ध्यान देना, इधर सिंपल है, अपने को शॉर्ट फॉर्म में करना है ना। क्या बोला है कि कितने बैट बोला गया? तीन बैट और छः बॉल, तो तीन बैट और प्लस होगा ना इसमें, प्लस सिक्स बॉल्स और इक्वल टू कहाँ से ज़ीरो, कहाँ से ज़ीरो, कुछ भी 3900, ज़ीरो ज़ीरो करे जा रहे हैं, फ्री में कौन दे रहा है। चलो तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? जैसे अगर यहाँ पर मान लो कि बैट की प्राइस भी दी जाती हमें और बॉल की, तो हम ऐसे ही तो करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और निकल जाती। अब हमें मालूम नहीं है तो एक्स और वाई रखा हमने, एक इक्वेशन ये बन गई, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक और बार आगे बोला है, फिर उसको और ज़रूरत पड़ी है, उसको दिमाग नहीं लगा रही थी वो पहले, बाद में वो लाना पड़ा उसको। तो उसने एक बैट खरीदा और कितनी बॉल्स खरीद ली? तीन बॉल और खरीद ली। तो एक बैट मतलब सिर्फ एक्स प्लस तीन गेंदे, 1300 रुपये में खरीदी उसने, टोटल उसने जो है 4500 रुपये का खर्चा करवा दिया भैया, स्कूल वालों का, अरे क्लब वालों का करवा दिया होगा। और चार बैट आए कुल मिला के और 9 गेंदे आई, खूब घुमाओ गेंद, समझ में आया? ये समझ में आ गया, घुमाओ मतलब शॉट मारो और वो चले जाए, मतलब घर में ऐसा ऐसे घुमाओ मत। तो ये दो इक्वेशंस बन गई है, इनके हमें ग्राफ बनाने हैं। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? सेकेंड। अब थर्ड, हाँ मैं बता दूंगा इसका भी तरीका, बस इसका भी तरीका बता दूंगा मैं, कि बड़ी बड़ी वैल्यूज आएगी बोल रहे हो ना आप, बहुत ही अच्छा सोचा आपने, अच्छे बच्चे हो आप लोग, डाउट आना चाहिए इसे। बाकी के बच्चे ऐसे बैठे हैं, सुन सांप सुन गया उनको, ऐसा बोलते हैं उसका मतलब क्या मुझे भी नहीं मालूम। द कॉस्ट ऑफ 2 किलो सेब एंड 1 किलो अंगूर ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपये। सेब को अपन मान लेते हैं, एप्पल को मतलब एप्पल की प्राइस को पर केजी है ना, 1 किलो मान लो, एक से तो 1 किलो के हैं वो, और
तो हमने उसकी जो है प्राइस को माना है ना एक्स, क्या बोला गया है? हाँ उसकी प्राइस को माना है ना, 2 किलो एप्पल है यहाँ पे भी तो थे बेटा, देखिए 3 बॉल्स थे तो एक की प्राइस को हमने क्या क्या माना, एक्स माना, हमें प्राइस निकालना अल्टीमेटली, तो एक्स और वाई मानना पड़ेगा। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इसको जल्दी से करा देता हूँ, हो चुका है टाइम। 2 किलो एप्पल और 4 किलो क्या अंगूर, कितने के हैं वो? 160 के। तो 2x प्लस 1y, 1 किलो है ना, इज इक्वल टू 160, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इसका मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है जैसे मतलब ऐसे क्वेश्चन आ गया जिसमें बहुत लंबी वैल्यू आ रही है, तो इसमें हम x की जगह 1, 2, 3 की जगह पर 100, 200, 300 भी रख सकते हैं, 100, 200, 300। शायद 9th में कुछ ऐसा एग्जांपल करवाया था, मुझे ध्यान नहीं है, और यहाँ भी y की जगह भी रख सकते हैं हम, और वहाँ पर वैल्यू 1-2 पुट नहीं करेंगे, क्या आप कहेंगे भाई x को 100 पुट कर दिया आपने तो y कुछ 100 आ गया, ऐसा हो सकता है। तो इसके ग्राफ बनाने में ये बात ध्यान रखेंगे हम कि जब बड़ी वैल्यू जाए तो, हाँ कुछ भी कर सकते।